हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी चिकन की एकदम नई क्रिस्पी अनोखी रेसिपी जो शायद ही आपने कभी बनाया होगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिएगा। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है, तो इसलिए वीडियो आप पूरा फुल से वॉच कीजिए। अगर आपने वीडियो पूरा फुल से वॉच कर लिया और फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी है मेरी, आपका भी जो है तो रेसिपी ऐसी ही बनकर रेडी होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएंगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, इसमें 250 ग्राम मैदा लेंगे। मैदा ग्राम से समझ में ना आए तो इस तरह के 2 कप हमने मैदा लेना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, 2 टेबल स्पून जो है तो ऑयल डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो स्नैक्स है अच्छी तरह से क्रिस्पी बने। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा वाटर डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा अच्छा डो नीट कर लेंगे। चार से पाँच मिनट में हमारा बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट जो है तो नीट हो जाएगा डो। बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट लचीला डो हमें बनाकर रेडी करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है तो हमारा डो को हमने बहुत ही अच्छा सॉफ्ट चिकना नीट करके रेडी कर लिया, देखिए इस तरह से। अब इसे जो है तो थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये और भी अच्छी तरह से लचीला हो जाए। अब फिर से एक बोल लेंगे, इसमें फिर से 2 कप मैदा लेंगे, यानी 250 ग्राम मैदा लेना है। नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हो। इसमें कुछ फ्लेवर्स डालेंगे और कलर डालेंगे ताकि हमें 2 शेड का डो मिल जाए। 2 टेबल स्पून जो है तो ऑयल डालेंगे ताकि क्रिस्पी और सॉफ्ट बने। इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, समार और पुदीने की चटनी। ये सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेना है, इस तरह से इसे मोटा मोटा पीस लेना है और ये डालेंगे 2 टेबल स्पून ताकि कलर भी बढ़िया आए और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। इसमें वाटर डालेंगे और अच्छी तरीके से जो ये डो है नीट कर लेंगे। अगर आपको इसके अलावा दूसरा कोई और कलर पसंद हो तो आप उस हिसाब से इसमें फ्लेवर डालें और कलर डाल के इस तरह का डो नीट कर ले। तो हमारे दोनों भी जो डो है प्रॉपर तरीके से हमने नीट कर लिया है। तो देखिए जो वाइट डो है वो भी रेडी है और जो ग्रीन डो है वो भी रेडी। इस तरह से हम दोनों को रेस्ट के लिए रख देंगे। अब इसकी फीलिंग बनाएंगे। फीलिंग के लिए हमने 1/2 kg चिकन लिया, चिकन को जो है तो बॉईल करके इस तरह से मिक्सी में घुमा लिया तो इसके रेशे रेशे बन चुके हैं। आप हाथों से कर सकते हो लेकिन हाथों से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें डालेंगे 2 बिग साइज़ के पोटैटो, इसे हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने में छिलके उतार के इस तरह से एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे इसका मतलब है, या तो फिर हाथों से आप अच्छी तरह से मैश करके भी ले सकते हो। इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जैसे कि 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टी स्पून जो है तो चाट मसाला पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, 1 टी स्पून अदरक लहसुन का ताज़ा पीसा हुआ पेस्ट डालेंगे, 1 छोटा बोल भर कर गाजर डालेंगे, ऑप्शनल है ये डालना, कद्दूकस किया हुआ गाजर, कद्दूकस किया हुआ अनियन, लेकिन अनियन को हमने हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लिया है ताकि इसका पानी निकल जाए, 1 छोटा बोल भर के जो है तो धनिया पत्ता डालेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से हमने मिक्स करना है। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है, कोई हमें टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं होती, बढ़िया मिक्स कर लेना है। आलू की वजह से बैंडिंग बहुत अच्छी आती है इसमें। तो देखिए हम यहाँ पे मिक्स करके रेडी कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। आप चाहते हो तो स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। इसकी बैंडिंग देखिए कितनी शानदार बैंडिंग आई है आलूओं की वजह से।
और चिकन को ज़रा सा मिक्सी में एक बार घुमा लेंगे, चिकन के रेशे रेशे एक नंबर निकल के आ जाते हैं। अभी हमारा रेडी है, इसे साइड में रखेंगे। अब वाइट कलर का जो है तो एक पेड़ा बनाएंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं ना, उसे थोड़ा बड़ा बनाना है। इसकी एक पतली पूरी बनाकर रेडी करना है, मतलब कि एक बड़ी सी रोटी बनाना है लेकिन एकदम पतली बनाना है, क्योंकि हम डबल लेयर की रोटी बनाएंगे तो ये अंदर से अगर मोटी रोटी बनाएंगे तो कच्ची रह जाएंगी। देखिए इस तरह की पतली बनाना है। अभी इसे साइड में उठा कर रख देंगे। इसी तरह से हमने ग्रीन भी जो है तो एक बड़ी सी रोटी बनाकर रख दिया था। चारों तरफ से जो है तो इनके किनारे हमें कट कर लेना है, और ये जो शीट है ये स्क्वायर शेप के हमें बनाना है, यानी चौकुट शेप के हमें बनाना है। इस शीट के चार पीस करना है हमें, देखिए इस तरह से। तो दोनों भी जो वाइट शीट है तो उसके भी इसी तरह से चारों कोनों कट करना है, फिर बीच में से इस तरह के चार शीट बनाना है। तो इस तरह से आप बनाकर साइड में रख सकते हो, फिर एक साथ में हम डिज़ाइन इसकी बना लेंगे। तो देखिए अब इस तरह से हमने जो है तो वाइट भी कर लिया। अब इस तरह की जो शरबत पीने की फोक होती है ना वो लेंगे, और इसमें जो है तो इस तरह से होल कर लेंगे। अगर आपके पास में ये ना हो तो जो पेन होता है ना, पेन के ढक्कन से भी बहुत अच्छे होल होते हैं। तो हमारे पास में ये था तो हमने लगा लिया। पेन तो हर घर में अवेलेबल होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी घर में पेन ना हो। ये फोक शायद किसी घर में हो ना हो, मेरे पास में जो अभी अवेलेबल था तो मैंने वो यूज़ कर ली। अब देखिए इसका जो फोक के अंदर का जो डो है ना, तो इस तरह से हम सारा निकालेंगे, और ये सारा जो है तो हमारे होल अच्छी तरह से बन चुके हैं। आधी शीट में हमें होल बनाना है, उसके ऊपर इस तरह से जो है तो ग्रीन कलर की शीट लगा देना। थोड़ी सी छोटी बड़ी अगर शीट होती है तो कोई मसले वाली बात नहीं, बस इस तरह से प्रेस कर देना है। अब इसमें है तो 2 टेबल स्पून जितना हम ये जो फीलिंग है चिकन की वो डालेंगे, बहुत ही चटपटी फीलिंग बनती है। अब देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, तो पीछे से तो ये डिज़ाइन नहीं आएंगे लेकिन आगे से बहुत शानदार आएंगे। और अगर आपको पीछे से भी डिज़ाइन चाहिए तो आप क्या कीजिए, पूरी जो वाइट शीट है उसमें होल कर लीजिए और इस तरह से प्रेस करेंगे। कोई पानी नहीं लगाना, कोई मिल्क नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, बस इस तरह से फोल्ड करें। अगर आपने डो अच्छी तरह से नीट किया एकदम लसीला पतला, तो फिर हमें जो है तो इसमें कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कड़ा डो करेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी लगाना पड़ेगा। फिर इस तरह के डिज़ाइन बनाना है, जैसे गुजिया बनते हैं ना, बस गुजिया वाली डिज़ाइन हमें बनाना है। इसका जो है तो एक साँचा भी आता है, अगर आपके पास साँचा हो तो आप साँचे से बना सकते हो, लेकिन हाथों से जब काम होता है तो फिर साँचे की क्या ज़रूरत। तो देखिए इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना ली। इस तरह से हम अपने सारे जो है तो पेटीज बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए कितने कम समय में कितने शानदार तरीके से बिना साँचे के हमारा जो है तो चिकन का पेटीज रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमने सारे पेटीज बनाकर रेडी कर लिए थे। तो पहले दिन हमने जो बनाए थे वो हमने यूज़ कर लिए थे, ये दूसरे दिन वाले हमारे पेटीज हैं। ये हमने डबल आडो नीट किया और फिर बनाया। पहले दिन वाले बहुत ज़्यादा पसंद आए घर पे तो खा लिए थे अफ्तार के टाइम पे। अभी इनको जो है तो हम गैस ऑन करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में ऑयल इतना डालेंगे कि ये पेटीज अच्छी तरह से डीप हो जाए, और ठंडे ऑयल में इसे हमें डीप करके फ्राई करना है। तो जब तक ये इस तरह से फूल कर ऊपर ना आए ना, जब तक हमें स्लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। जब ये स्लो फ्लेम पर फूल करके इस तरह से ऊपर आ जाए, अब इस टाइम पे फ्लेम को जो है तो फुल कर देना है हमें। अब देखिए 5 से 7 मिनट में इसमें कितना शानदार कलर आ चुका है। बस जब तक ये फूल करके ऊपर नहीं आते, जब तक ये गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और फिर फुल फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हमारे जितने भी हमने बना कर रखी है, गुजिया कह लीजिए चिकन की या पेटीज कह लीजिए, तो वो जो है तो हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। आई होप गाइज आपको ये चिकन की गुजिया कह लीजिए या चिकन पेटीज कह लीजिए पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले हर अमेजिंग से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया गाइज। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।